तो ये आया है पहाड़ों से। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? और आज है मंगलवार, तो आज जो अपना व्लॉग है मैं मॉर्निंग से ही शुरू कर रही हूँ। तो मॉर्निंग का 10 बज चुका है और मुझे लगानी है मशीन। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर जो है बेडरूम में मैं चादर चेंज कर देती हूँ, क्योंकि आज जो है वो रात को हम यहाँ नहीं सोए थे, दूसरे वाले रूम में सोए थे। तो फिर मुझे मौका मिल गया तो सोचा कि चलो पहले मैं इस वाले रूम की मैं चादर चेंज कर देती हूँ, थोड़ी सी डस्टिंग कर देती हूँ, ताकि जो बेडरूम है वो बिल्कुल साफ़ रहेगा। और मैंने काढ़ा बनाने के लिए भी रख दिया था, तो मैं काढ़ा लेकर जाती हूँ जहाँ पर वो दोनों सो रहे हैं उनके पास। और मैं लेकर आई हूँ अपने लिए काढ़ा और अपनी पति देवती के लिए, जो कि उनको मैंने उठा दिया था, वो दोबारा सो गए हैं। काढ़ा साइड में रखा हुआ है और आरना को उठा रही इतनी देर से, लगता उठ गई है। आरना, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और आपको पंखे की आवाज़ आ रही होगी ना, तो गर्मी बहुत हो रही है, फिर मैंने कम भी नहीं किया था, और तो प्लीज थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। तो मैं काढ़ा पी रही हूँ और मशीन में कपड़े भी डालकर आई। तो जो चादर है ना वो चेंज कर दिए, थोड़ा सा उसका लाइट कलर है ना तो जल्दी ज़्यादा दिख जाती है, तो अभी इस पर बिछा कर आई हूँ डार्क कलर की। चलिए आगे का काम अपना शुरू करते हैं और पहले काढ़ा पीते हैं, उसके बाद जाते हैं नाश्ता बनाने के लिए। और मेरे बाल अभी मैंने इनको बांधना है। मैंने परसों मेहंदी लगाई थी बालों में ना, संडे वाले दिन, परसों कह रहे संडे वाले दिन मैंने मेहंदी लगाई थी, तो बाल काफ़ी अच्छे से हो जाते हैं। मेरे बाल ना वाइट हो रहे थे आगे से ना, तो मेहंदी लगाने से ना मेरे बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। चलो, क्या भूख लग रही है, क्या खाओगी? चलिए आगे का वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है? ये देखो, वो देखो, ये देखो, बाप बेटे का प्यार देखो, ये देखिए। लेट आया है, 11 बजे करीब आया है, तो मेरे हस्बैंड नहा लिए थे, उन्होंने पूजा भी कर ली है, बट मैं नहीं नहाई हूँ। और उसके बाद जो है मेरे घर के जो काम है वो अभी चल रहे हैं, अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। तो मेरे जो कपड़े हैं वो भी वॉश हो चुके हैं, तो पहले फिर मैंने सोचा कि पहले मैं कपड़े सुखाने से पहले ना मैं पोछा लगा देती हूँ, और जो चाय का पानी है, जब कपड़े सुखाने जाऊंगी तब चाय का पानी भी रख कर आऊँगी। तो नाश्ते में ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ बनाया नहीं है, जो रस होते हैं ना तो चाय के साथ वही लिए थे, क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा ही होता जा रहा था। जब लेट उठते हैं ना तो ऐसा ही होता है सच में, क्योंकि आज इसलिए लेट उठे हैं क्योंकि आरना की जो है ना समर हॉलीडे शुरू हो गया है, तो फिर इस वजह से, तो जब आरना की क्लास नहीं है तो थोड़ा सोचा कि चलो थोड़ा सा लेट उठते हैं, कभी कभार ऐसा मिलता है, नहीं तो फिर सुबह ही जल्दी उठना पड़ता है, तो इसलिए आज मैं जानबूझकर लेट उठी हूँ। तो पोछा लग गया है और सोचा कि
मैंने सुबह जो थी ना नहाने के बाद, नाश्ता करने के बाद नहा के गई, फिर लंच वगैरह बनाया, तो वीडियो पूरी तरह कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। और देखे ये बेड की हालत हो रही है, क्योंकि अभी जो है ना यहाँ पर कूलर लगा हुआ था, और जब जहाँ बैठते हैं तो वहां तो जगह कुछ ऐसी हो जाती है, तो कूलर अभी बाहर लिविंग रूम में रख दिया। तो अभी मैं पहले कपड़े उतार कर आऊंगी, और ये देखिए यहाँ की भी हालत। ये आना तुमने क्या किया है बेटा, ये तुमने यहाँ पर ये टावल और वो तैग पे लगा के रख दी। इनका बड़ा बहुत मन करता है, तो पहले मैं ना वो कर देती हूँ, चादर चेंज करके बाहर के कपड़े उतार के लेके आती हूँ। बाहर पालतू बात कह रही हूँ, कैसे लग रही थी। चलिए कपड़े लेकर आती हूँ मैं। हाँ, और ये हारना को देखो, इसको मैंने इतनी अच्छी से इसको ड्रेस पहनाई थी, और इसने क्या किया कि इसने नीचे स्कर्ट पहन ली, और इसके नीचे शॉर्ट्स था, एक पिंक कलर का जो है ना ये शॉर्ट्स था इसके नीचे। तो उसने बोला मम्मी मुझे शॉर्ट्स नहीं पहनना, मुझे स्कर्ट पहननी है इसके नीचे, तो उसने स्कर्ट डाल ली है। ये आजकल का फैशन है बच्चों का। दिखाओ अपनी ड्रेस, बाल पीछे करो, आंखों पे आ रहे हैं। मैं कपड़े उतार के लेकर आती पहले। कलर बड़ा अच्छा आ रहा है तो यही वाली कलर की साड़ी, बट आपको कैसा दिख रहा है ये पता नहीं है। और एक स्पीड वाला जो कुरियर होता है वो आया है, तो आपको मैं दिखा देती हूँ। देखिए ये रखा हुआ, बिल्कुल जो स्पीड वाला होता है ना, उसको कहते हैं कि एक दिन में पहुंच जाएगा या दो दिन में पहुंच जाएगा, तो वो आया। मैं आपको भी बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि क्या है। तो देखिए हमारे घर पर आया है पहाड़ों से माता रानी का आशीर्वाद। सॉरी, क्योंकि हमने वो दिखा, वो एड्रेस है तो दिखा नहीं सकते ना, तो ये है देखिए, और आप देख सकते हो। प्रसाद आया है वैष्णो देवी से, तो वही दिखा रही हूँ मैं आपको। तो ये अनबॉक्स कर रहे हैं इसको, और मेरे हस्बैंड ना हर साल वैष्णो देवी जाते हैं, हर साल, बस इस साल नहीं गए, तो उनको थोड़ा सा ना अजीब सा लग रहा था। एक होता है ना जब इंसान कोई हर बार, मतलब हर साल कहीं जाता होगा और वो इस साल ना गया हो, तो थोड़ा सा मन में अजीब लगता ही है। तो इन्होंने ना घर बैठे ही वैष्णो देवी माता को प्रसाद चढ़ा दिया था, तो फिर वो प्रसाद जो है ना यहाँ पर घर पर आ गया है। और देखिए इन्होंने मेरे नाम से किया था, तो एड्रेस और जो फ़ोन नंबर है वो हमें हटाना पड़ा है, क्योंकि ये दिखाते नहीं है इसलिए। और ये कर रहे हैं अनबॉक्स, तो आप देखिए इसमें क्या क्या है। वही चीज़ें हैं जो वैष्णो देवी में मिलती हैं प्रसाद। तो ये जो कलावे जो बांधते हैं ना माथे पर, वो वाला है कपड़ा है, और इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जो भी जैसे मिलता है वहाँ पर प्रसाद, तो वही चीज़ें थी इसमें। तो बहुत अच्छा लगा था मुझे भी, मेरे हस्बैंड को भी। तो ये आया है पहाड़ों से माता रानी का आशीर्वाद, जो मैंने आपको दिखाया है। और मेरे हस्बैंड ना हर साल जाते हैं वैष्णो देवी, पर बस इस साल नहीं गए, जो कि आप सबको पता ही है क्यों नहीं गए हैं। तो एक जो होता है ना मन में, जो इंसान बार बार मतलब हर साल जाता हो वैष्णो देवी और इस साल ना गया हो, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो इन्होंने क्या किया कि घर बैठे ना माता रानी को प्रसाद चढ़ा दिया, और वो प्रसाद फिर यहाँ आ गया है। तो ये वाला भी बहुत अच्छा है, जो नहीं जा सकते और ऐसा लगता है कि हाँ हमें वहाँ प्रसाद चढ़ा के चढ़ाना चाहिए, तो ऐसे भी आप ट्राई कर सकते हो। घर बैठे भी वहाँ पर वैष्णो देवी में आप प्रसाद चढ़ा सकते हो, जो भी आपके मन में हो कुछ चढ़ाना, तो आप घर बैठे कर सकते हो। तो वही किया है इन्होंने, तो अच्छा लगा। और अभी प्रसाद थोड़ा सा खाते हैं और फिर डिनर की तैयारी करते हैं। क्यों आरना, ये तुमने क्या ले रखा है? नहीं, टेडी बियर नहीं है, ये है मिक्की माउस। क्या है?
बनाऊंगी आज पिज़्ज़ा। तो भी पिज़्ज़ा का जो ये रखा हुआ था ना, तो 2-3 दिन हो गए थे और इसकी एक्सपायरी थी 9 तारीख की, तो आज है 8 तारीख, तो सोचा कि चलो फटाफट से इसको बनाया जाए। तो यही बना रहे हैं, तो यही हमारा डिनर होगा। सिंपल है, पहले भी शायद मैंने आपके साथ शेयर किया होगा दूसरे वाले घर में। तो यहाँ पर जो कैप्सिकम और प्याज है ना, इसको थोड़ा सा सोटी सा कर लिया है, इसमें मैंने काली मिर्च ऐड कर दिया। और एक तरफ जो है ना, जो पिज़्ज़ा का बेस है वो नीचे से थोड़ा सा पक रहा है क्योंकि वो कच्चा होता है, तो मुझे दोनों तरफ से उसको पकाना है। और जो मैंने थोड़े से इसमें पनीर के भी पीस डाले हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं इसमें। तो यहाँ पर मैंने चीज़ स्लाइस भी रख दी है और थोड़ा सा वो भी कर दिया है इसमें, जो चीज़ है वो भी कद्दूकस करके डाल दी है, तो ढक दिया है। और ये देखिए पिज़्ज़ा बनके में हमारा रेडी हो गया है। मेरे हस्बैंड का कम चीज़ वाला था, वो ज़्यादा चीज़ वाला नहीं पसंद करते हैं, मुझे ज़्यादा चीज़ अच्छी लगती है। तो मैं यहीं पर अपना जो व्लॉग है वो मैं एंड करती हूँ। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप सब अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय।